Hey Arsians, this is Ranchi Rido. तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दे रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे कुछ मसाला वाला देखने आए हैं कि कुछ कंटेंट मिलेगा अच्छा सा, तो प्लीज़ यार अभी वीडियो छोड़ के चला जाओ, बिकॉज़ हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो हम पहले ही बोल दिए, बाद में ये मत कमेंट करना कि क्या था ये, टाइम वेस्ट किए। तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आज की वीडियो में, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 1 बज रहा है दोपहर का, हम निकले अभी, धूप नहीं है भाई, शाम हो रही है, सॉरी, क्योंकि ज़्यादा धूप धूप कर दिया मैंने पिछली वीडियो में तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए। तो खैर फिलहाल जा रहे ऑफिस एंड लालपुर जाना है। तो यार आज सुबह जो वीडियो अपलोड की है उस पर कुछ ऐसा कमेंट आया, तो जैसे हम सुबह सो के उठे दैन सबका कमेंट हम पढ़ रहे थे। बेसिकली आजकल बहुत लेट उठते हैं हम, जैसा कि हम पिछला वीडियो में बताए थे। तो एक कमेंट इसमें मेरे को दिखा, ये कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो पॉज करके कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो शॉर्ट में बता रहे, इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या बकवास सी वीडियो है ये, रोड पे बस बाइक लेके निकल जाओ और बैठ के कुछ भी बोलते रहो, एक ही लाइन को 3-4 बार रिपीट किए हो आप। तो देखो यार, आपको वीडियो पसंद नहीं आई, आई नो, मुझे अच्छा लगा देखे कि चलो कम से कम आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे वीडियो पर कमेंट करा, मुझे बताया कि आपको वीडियो पसंद नहीं आई। तो मैं इस चीज़ के लिए बुरा नहीं मान रहा कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कमेंट करा। बस पढ़ के थोड़ा इतना बुरा लगा यार कि जब आपने ये बोला कि बस बाइक पर बैठ जाते हो और कुछ भी बोलते हो, मैं आपको सीधा सीधी आपको ये नहीं बोला शायद जिसने भी वो कमेंट किया था, आई डोंट नो आप लड़कियों के लड़के, आपका नाम लड़की वाला है, सारे लोग आपको एक लड़की की तरह ही कमेंट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि आप लड़के हो या लड़की। मैं बस आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों को लगता है कि मोटो व्लॉगिंग हलवा है, मोटो व्लॉगिंग हलवा नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि यार ये क्या है मोटो व्लॉगिंग, बस बाइक ले लो, कैमरा लगा लो, रोड पे निकल जाओ, चलाते रहो और बस बोलो कुछ कुछ, बन गया मोटो व्लॉगिंग। मैं बताता हूँ मोटो व्लॉगिंग क्या होता है। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, आप मेरी जाके पहली वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि, और अभी की वीडियो मेरी देखो तो आपको पता चलेगा कि मोटो व्लॉगिंग क्या होता है। शुरू में जो मैंने किया था वो कुछ और ही था तो वो मेरे हिसाब से मोटो व्लॉगिंग ही, बस उसमें इतनी लंबी वीडियो थी वो और कुछ खास कंटेंट उसमें था नहीं, तो मैंने, मुझे जो समझ आया मैंने बस बना दिया। तो यार देखो बात ऐसी है कि मुझे हेट कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एग्जैक्टली वो एक हेट कमेंट तो था नहीं, उन्हें बस वीडियो पसंद नहीं आई ना, उन्होंने मुझे हेट करा, बस उन्होंने ये बोला कि कुछ भी कर रहे हो कुछ अच्छा बनाओ, उन्होंने मुझे सजेशन भी दिया कि ये करो वो करो। बट ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं, आप सभी के लिए बना रहा हूँ जिन्हें लगता कि मोटो व्लॉगिंग बहुत आसान है, बस बाइक ले लो रोड पर निकल गए। मैं बताता हूँ अभी आप लोगों को मोटो व्लॉगिंग होता क्या है। मोटो व्लॉगिंग एग्जैक्टली क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि बस बाइक ले लिया भाई, बैठ गए, कैमरा लगा लिए और जितने भी चीज़ें हो रही है रोड पे वो दिखाते रहो, हो गई मोटो व्लॉगिंग। नहीं होता भाई ऐसा। अभी मैं चल रहा हूँ, चलो मैं यहाँ से निकला, वहाँ तक वीडियो ख़त्म किया, क्या कंटेंट मिलेगा मेरे को, मैं क्या बताऊँगा। ये देखो ये अपडेट जा रही थी, आगे वो स्कूटी में अंकल जा रहे, ये मेरा कंटेंट हो जाएगा। नहीं होता भाई, नहीं होता। जितना आसान आप लोगों को लगता है ना मोटो व्लॉगिंग, मैं बताता हूँ मेरा शेड्यूल। अगर मैं एक वीडियो बनाने निकलूँ तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता कि मुझे कंटेंट नहीं मिलता और मैं कुछ भी नहीं आप लोगों के सामने डाल देना चाहता क्लिक बेट करके कि लो ये देख लो, ये एक अग्रेसिव थंबनेल बना दिया, सारे लोग क्लिक करके आ रहे हो, गाली दे के जा रहे हैं। तो मैंने अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया इसमें क्लिक बेट हो। तो यार देखो बात ऐसी है कि ठीक है आपको वीडियो पसंद नहीं है, आप मुझे उस पर कमेंट करके बताओ ना कि हाँ वीडियो पसंद नहीं है, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आप लोग अलग ही लेवल पे चले जाते हो, किसी की मेहनत पे ही सवाल उठा देते हो कि कुछ तो करना है नहीं, बस निकल जाते हैं ऐसे ही बाइक लेके। क्या लगता है आपको, आप एक दिन धूप में बाइक में लेके घूमो? और आप ये कह रहे हो कि और भी सारे मोटो व्लॉगर्स हैं वो इतना कर रहे हैं, तो ब्रो वो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से, एंड सॉरी टू से बट उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, दे आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड उनके फैमिली के पास इतने पैसे हैं कि उनको दे सके खर्च करने के लिए कि लो भाई करो। आप मुझे एक मोटो व्लॉगर का नाम बताओ जो काम करता हो, मेरे हिसाब से सिर्फ एक है, इंडियन हेल राइडर, जो खुद कमाते हैं बिकॉज उनकी वो शादीशुदा है। और कोई बता दो आप, MSK व्लॉग जॉब करते हैं, BRS शो जॉब करते हैं, कौन जॉब करता है, मुंबई का निकल जॉब करते हैं,
या क्या नाम है उनका, वो बॉर्न टू राइड, वो जॉब करते हैं, तो ब्रो उनके पास उनके घर से फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनके घर वाले इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि उन्हें दे सके पैसे। तो अगर मेरे पास भी होती ना फाइनेंशियल सपोर्ट, तो मैं भी अच्छे अच्छे ट्रिप करता, मैं भी अच्छे खासे इक्विपमेंट लेता और ट्रिप करता और अच्छी वीडियोस बना लेता। आप मेरा सेटअप देखोगे तो खुद बोलोगे कि यह कैसे वीडियो बनाता है। मेरे लैपटॉप की हालत ऐसा है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव नहीं कर सकता, वहीं का वहीं पड़ा रहता है वो, उसे ऑन होने में एक घंटा लगता है। आप तो मेरे चैनल पे शायद नए आए होगे, जो लोग मेरे चैनल पे शुरू से उन्हें पता होगा जब मेरा पुराना कैमरा भुलाया था तब मैं ये चैनल ही बंद कर रहा था, बिकॉज मुझे कोई होप नहीं थी कि मुझे घर से पैसे मिलने वाले हैं न्यू कैमरे के लिए, बट मिल गए, वो एक लक था जो कि मुझे वापस करना ही पड़ता है हर मंथ। बात आ रही है बाइक की, तो यार जो भी मेरा खर्चा है वो मैं खुद जॉब करके निकालता हूँ अपना, तो अगर मेरे पास उतने पैसे बचते नहीं है कि मैं ट्रिप करूँ या फिर इतने अच्छे खासे महंगे इक्विपमेंट्स, तो फिर भी मैं मुझसे जितना होता है मैं करता ही हूँ। तो यार किसी की मेहनत पे सवाल उठा देना, आपको पता है एक वीडियो एडिट करने में मोटर लाइन कितनी टाइम लगती है? अरे 3-4 बज जाते हैं बस मेरे को सोते हुए रोज़। और ऐसे ही किसी की मेहनत पे आप सवाल उठा दोगे तो ये तो सही बात नहीं है ना यार। मैं एकदम काम रहता हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं बोलता, इतने हेट कमेंट्स गाली देते हैं लोग मेरे को कमेंट में आके, बेमतलब का, वीडियो देखी नहीं पूरी फिर भी कमेंट किया रद्दी वीडियो बनाई है ये वो, फिर भी मैं काम रहता हूँ कुछ नहीं बोलता, उन्हें भी अच्छे से हैंडल करता हूँ, बट यार ये जो हुआ ना आज ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको वीडियो पसंद नहीं आया सिर्फ उसके बारे में बात करते, मैं कुछ नहीं बोलता, बट आप चले गए अगले लेवल पे। आपको वीडियो बकवास लगी आप वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं यार, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, बट आप अगर किसी की मेहनत पे ही सवाल उठा दो कि क्या कर रहे हो, बस बाइक ले लिया, कैमरा ले लिया, घूम रहे हो, ये कोई बात नहीं हुआ यार। और पहली बात तो यह कि कोई स्टार्टिंग से ये नहीं हो जाता एकदम परफेक्ट। आप मेरी पहली वीडियो शुरू की वीडियोस देखो और अभी की वीडियोस देखो तो आपको पता चल रहा है कितनी इम्प्रूवमेंट्स हुई है मेरे में, कितना खुद को परफेक्ट करा। और अभी भी मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ अभी है। तो गाइज यार बस इतना ही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो के बारे में बात करो ना, किसी की मेहनत के बारे में क्यों सवाल उठाओगे आप? नहीं अच्छा लगता यार जब पता चला कि इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भी लोग कह रहे हैं कि कोई मेहनत नहीं है, ये है वो है। अगर मेहनत नहीं होती तो आज इतने लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते और ना ही मैं इतनी दूर तक पहुँच पाता अगर मेरी वीडियो भी उतनी ही बकवास होती तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक वीडियो देख के जज कर देते हो यार, या चैनल पे इतनी सारी वीडियो, हर वीडियो तो परफेक्ट नहीं हो सकती ना, मैं भी भगवान नहीं हूँ। और मैं क्या, इतने बड़े बड़े बीबी की वाइन से अमित बड़ाना ये सब की सारी वीडियो चलती नहीं है, अभी अमित बड़ाना की एक वीडियो आई वो नहीं चली, उन पे उन्हें हेट मिले। तो एक वीडियो देख के जज करना ये तो सही नहीं है। और आपने तो मेरी पहली वीडियो देखी, आपकी बातों से ही पता चल गया मुझे, सीधा आपने कमेंट डाल दिया। वीडियो पसंद नहीं आया यार, मैं बोल रहा हूँ बार बार वीडियो पसंद नहीं है, वीडियो के बारे में बात करो, वीडियो पसंद नहीं है उसके बारे में बोलो कि क्या गलती करी मैंने ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। आप लोग सीधा डिमोटिवेट करने पे लग जाते हो कि यार मेहनत नहीं है, ये नहीं है, बकवास कर रहे हो, बाइक लेके घूम रहे हो, अजीब लगता है यार। ना तो मैं यूट्यूब से कुछ अर्न कर रहा हूँ, ना मेरे पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो भी है मेरा ड्रीम है यूट्यूबर बनना, मैं कर रहा हूँ तो एटलीस्ट सपोर्ट करो यार। वीडियो पसंद नहीं आती, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे से इतने साथ इतने दिनों से, जो आर्सियंस फैमिली के मेंबर इतने दिनों से, वो भी मुझे बोलते कि भाई आज की वीडियो थोड़ी ये थी वो थी, तो मुझे अच्छा लगता है चलो यार इन्होंने कुछ बताया, इन्हीं की बातें सुन सुन कर भी मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, इतना खुद को ऊपर करा, अपना लेवल बढ़ाया है मैंने इन्हीं की बातें सुन सुन कर, क्या क्या गलत कर रहा हूँ वो सब देख देख के, तो इनकी बातें सुनता हूँ मैं। बट इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तू मेहनत नहीं कर रहा, अजीब सी वीडियो है, ये है, फालतू है, तो ऐसा मत करो यार। मैंने आज तक किसी को ऐसे रिप्लाई नहीं करा, बट ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, सुबह उठते साथ ही मूड ख़राब, क्या बोलूँ मैं, इतना उदास हो गया ये पढ़कर कि मेहनत करने के बाद भी इतना ही दिख रहा है, और क्या बताओ अपनी प्रॉब्लम्स आप लोग को। मैं जानता हूँ मेहनत कोई डिपेंड नहीं करता, कंटेंट होना चाहिए अच्छा, तो यार ऐसा तो नहीं कि हर वीडियो ऐसी बना रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ। चलो यार
आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो, तो बस मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था आप सबके सामने। तो लाइक कमेंट शेयर करने नहीं बोलूँगा। और जो लोग यहाँ तक आ गए हो, वीडियो देख रहे हो, थैंक्स मेरी बात सुनने के लिए। अब आपको जो सही लगे, आपको लगे मैंने गलत कहा है तो ठीक है, आप कमेंट करके वो भी बता दो। बट यार मुझे पर्सनली ये चीज़ बुरी लगी तभी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, और क्या बोलूँ मैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।